जब रनवे जी आया तो चिल्लाया उन्होंने लेडीज लेडीज लेडीज। एक खुशी होती है कि रनवे जी आता है, ऐसे लगता है कि चलो किसी से इंटरेक्ट करने का यू नो मौका मिलेगा। How's it going, girls? Anyways, ये आपका आखिरी बजाते रहो सेशन है। Oh God. थोड़ा सा अजीब लगा कि finally आखिरी बजाते रहो सेशन है। A little nostalgic feeling was there that this whole journey of Splitsville is coming to an end. But I believe all good things come to an end, and so is this. All right. आप सबको एक ऐसी लड़की का नाम लिखना है आप तीनों में से जो लीस्ट डिजर्विंग है, जिसको जीतना नहीं चाहिए। अगर दो हफ्ते पहले पूछा, it would be, and there were three of us, it would be a lot easier for me to say it. हिना, आपने किसका नाम लिखा और क्यों? प्रियंका। प्रियंका क्यों? श्रद्धा इज द ओनली गर्ल आउट ऑफ द थ्री ऑफ अस जो एक्चुअली में शी इज फॉलन इन लव। और अगर हम दोनों देखेंगे तो इवन आई लाइक वरुण, शी इज स्टिल यू नो ऑन बोथ द साइड्स, तो फिर दैट्स व्हाई आई रिटन हनी। प्रियंका, सहमत है आप इनके आंसर से? हाँ, काफी हद तक। रियली? बिकॉज़ मेरा भी रीजन सेम है हीना। मैं और हीना अभी तक यही कह रहे हैं कि वी हैव नॉट फॉलन इन लव, सो इफ आई एम नॉट विनिंग व्हाई शुड शी विन। अगर देखा जाए मैं और हीना एक तरह से एक ही लेवल पे हैं। ऑलराइट, प्रियंका आपके लिए एक वोट और हीना आपके लिए वोट। दैट मींस श्रद्धा, आप जिसका नाम लेंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा एंड दैट गर्ल विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बजाते रहो सेशन। प्रियंका, मैंने इम्प्रेशन के बेसिस पर लिखा। प्रियंका ने काफ़ी शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी इम्प्रेशन किया ऑन बोथ द गाइज, लेकिन हीना की कनेक्शन ज़्यादा है। आप तीनों में वो सब चीज़ें हैं जो बॉयज़ को चाहिए, बट आप लोग लड़कों के साथ अलोन टाइम स्पेंड करेंगे, दोनों लड़कों के साथ। Obviously, दिमाग में ये चीज़ तो चल रही थी कि कंपटीशन नहीं होगा तो किस बेसिस पे एक लड़की डंप हुई जाएगी। प्रियंका, आप दोनों के हिसाब से लीस्ट डिजर्विंग है आप तीनों में। She gets to spend only half an hour with the boys. उसका अलोन टाइम सिर्फ आधा घंटा है। आप लोगों को 15 मिनट मिलेंगे बाद में। 15 मिनट्स। I want to bring the competition at par. It was a fair decision क्योंकि प्रियंका हमेशा you know nag करती रहती है कि उसे लड़कों के साथ time नहीं मिल रहा है, time नहीं मिल रहा है, और उसे finally time मिल गया। इसके बाद प्रियंका कभी यही ना बोल पाए कि यार मेरे को सबसे कम time मिला है। Get ready for your alone time with the boys. All right, best luck. लेडीज, विशाल और वरुण अपने रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। दिस इज मिनट में तैयार होकर दो लड़कियां लड़कों के साथ अलोन टाइम स्पेंड करने के लिए पहुंच जाए। एक सेकंड के लिए सारे थोड़े से शॉक से रह गए। लेडीज, लॉन्जरी पहन के जाओ। जब पता चला कि रूम में डेट है तो सब गर्ली जोक शुरू हो गए। सभी लड़कियों को ये रियलाइज हुआ कि ये शायद उनकी आखिरी डेट होगी। टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, एवरीबॉडी पुट देयर बेस्ट ड्रेस ऑन। मेरा दिमाग बस यही सोच रहा था कि आधे घंटे में मेरे को क्या क्या बातें करनी हैं, बिकॉज दिस इज़ दी चांस। इसके बाद शायद मैं लड़कों से वन ऑन वन इंडिविजुअली बात नहीं कर पाऊँगी।
हीना विशाल से मिलना चाहती थी पहले, और वो चाहती थी मैं वरुण से मिलूँ. मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो चाहती थी कि मेरी पहले वरुण से बात हो जाए, और उसके बाद जो भी मेरे उससे बात हुई है, शी कैन गेट टू नो कि मेरी वरुण से क्या बात हुई है. दिस इज योर पर्सनल स्पेस. जब मैं वरुण के कमरे में गई अलोन टाइम डेट के लिए आधे घंटे की, मेरा बस मेन फोकस यही था कि मैं वरुण को जान पाऊँ ज़्यादा. आई वांट टू आस्क यू समथिंग. आर यू लाइक सेविंग मी टिल नाउ, और आर यू कीपिंग मी इन द गेम बिकॉज यू वांट टू बी विद मी, और बिकॉज यू वांट टू विन द गेम? I really want to win the game, and I know like if in future like we both get a chance to work, it'll be really awesome. And I really like you as a person. I really do. Hina, जैसे ही room में आई, I was little sad कि यार मुझे पता नहीं चलता मैं उसके साथ क्या बात करूँ, because I know she's gonna support Varun 101% no matter what. जो भी होता है, at this point मैं चाहता हूँ तुम भी secure हो जाए, मुझे कोई tension नहीं है. श्रद्धा secure हो जाए, कोई tension नहीं है. प्रियंका सिक्योर अगर नहीं होनी चाहिए फिलहाल. उसने कभी कोई एफर्ट नहीं किया, वो फिर भी इतने इजीली आ गई. exactly. पता कैसे आ गई मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि हमारी हर एक की फेवरेट थी. ठीक है, वरुण चाहता था मेरी फेवरेट निकले, मैं चाहता था उसकी फेवरेट निकले. इसका कोई ध्यान नहीं देता था ये किसी की साइड भी नहीं. exactly. वो हर बार वो भी भाभी exactly. बैठी थी. और वो इस बात को उल्टे तरफ ले रही है कि उसे लगता है कि लड़कों को लगता है कि वो पसंद है उसको. सिर्फ मैंने एक क्लियर कट में ये बात समझाई कि तुमको यहाँ तक जो लेके आया वो बंदा मैं हूँ. नाउ इट्स योर टाइम टू प्रूव योरसेल्फ, टू यू नो पे बैक. जब दो रह जाएंगे तो हमारे पास है, मुझे पता है. फिर तो ऑब्वियसली तुम यू विल सेव द गर्ल दैट यू वांट. फिर आई डोंट नो व्हाट विल बी द सेव इशू, बट पॉसिबिलिटी है कि आज भी यू विल हैव टू डिसाइड बिटवीन मी एंड हीना. व्हाई? देख मेरे हिसाब से ना विशाल हीना का नाम लिखेगा. He won't write your name. I won't write your name. I can give the show to you, but I won't. मुश्किल हो रही है मुझे डिसाइड करने में कि क्या वरुण ऐसे इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं शायद फाइनल टू में हूँ, और अगर हूँ तो मैं उसको जिता दूँ, या फिर वो जेन्युइनली ही मेरे और उसके बीच में इक्वेशन फॉर्म करना चाहता है. Okay, one honest. Very honest answer from you. Yeah. You both, Shraddha का मुझे अच्छी तरह पता है, because I'm from your side. You'll never dump Shraddha, right? Absolutely no. No matter what. Absolutely no. Shraddha और हीना अगर लास्ट में होंगे तो आई थिंक आफ्टर दैट इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी आई गेस. जो भी होना होगा आई डोंट थिंक सो उसके बाद हमारे हाथ में होगा कि हम डिसाइड करेंगे लास्ट गर्ल कौन रहेगी. बीइंग इन टॉप टू, ऑब्वियसली मैं विशाल के लिए थ्रेड डेफिनेटली रहूंगी, क्योंकि अगर मैं जीतती हूँ कॉम्पिटिशन तो मैं ऑब्वियसली वरुण को चूज करूंगी. हाय, व्हाट्स अप? व्हाट्स अप? माय साइड, व्हाट्स अप? श्रद्धा के साथ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह का जो ड्रामा था वो स्पेशली रितु के लिए था, बिकॉज वो मेरा एक बैकअप प्लान टाइप था. रियली रियली गुड. आई स्वेयर हाउ वाज माय एक्टिंग? टॉक अबाउट माय लुक. एंड आई वाज ओवर देयर, आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दिस गर्ल प्रियंका, एंड शी वाज लाइक, शांत टेक अ डीप ब्रेथ. आई वांटेड टू लाफ ओवर देयर, बट आई वाज लाइक कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट. एंड रितु, शी वाज सो हैप्पी, आई कुड सी दैट. एंड शी वाज लाइक, आई वाज थिंकिंग रितु मस्ट बी थिंकिंग नाउ विशाल इज माय. या Varun was like, what happened? And at that point, you had your arm around Ritu, you know? So I was like, look at that. After dumping, Vishal was talking to Sahil about something. And Sahil asked Vishal, ki yaar, Shraddha teri itni banti hai, aaj kya hua? And Vishal ko ye nahi pata ki main uske peeche khada hu. Because I was talking to Ashutosh. इतने डिस्टेंस में कि उसकी बात सुन जाएगी हम लोग को. मैं लगा शायद ड्रामे कर रही है, उसको मैंने कहा करना. आई वाज शॉक्ड. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि श्रद्धा ये करेगी. आई वांटेड टू टेल हीना सो बैडली यस्टरडे, यू नो, बिकॉज़ आई फेल्ट रियली बैड. एंड देन आई वाज लाइक, नो, यू नो व्हाट, ऑन जस्ट इन केस शी सेज समथिंग टू वरुण, आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस, यू नो. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट से एनीथिंग. या, शी इज फेकिंग. She was faking, and she will fake. कोई बच्चा देख के बता देता है कि यार ये fake है यार. And they're just playing, they're just trying to play that smart कि हम लोग यार बैठे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलेगा. You know,
इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम श्रद्धा. कोई और लड़की होती ना फिर भी ठीक था, कोई भी चलती यार. इनफैक्ट बैंका में ऐसे करते तब भी मैं मान लेता, नॉट श्रद्धा. श्रद्धा ने आज से डे वन से कुछ नहीं किया कि नो वन कैन डाउट. I just, what I'm trying to do is, I just want him to be convinced somehow that at the end you might support him or make him win, and so that he can, if he's given a chance, okay, to dump between you and Priyanka, he goes with Priyanka, he dumps Priyanka. That's what. Just do something like that. Now you know what to do now. Don't phone the emotions, man. Seriously telling you, it's time to play. अगर मेरे हाथ में पावर आता है तो मैं डेफिनेटली आज श्रद्धा को वोट करूंगी. श्रद्धा ने गेम खेला है एंड इफ शी कैन प्ले अ गेम तो मैं क्यों नहीं गेम खेल सकती हूँ. मैं विला के अंदर वापस आई, मैंने श्रद्धा को देखा. श्रद्धा वाज लाइंग डाउन. व्हाट्स अप, हाउ वाज इट गाइस, इट्स गुड. अगेन उसके चेहरे पे वो ट्रबल्ड लुक था और वो विशाल से मिलकर आई थी तो वो काफ़ी डिप्रेस्ड दिख रही थी. मतलब सिर्फ दिख रही थी, वो पता नहीं थी कि नहीं. जबकि मुझे मालूम है कि वो फेक कर रही है, तो इट वाज रियली डिफिकल्ट. यू श्योर ही वाज हैप्पी अबाउट मी बीइंग हियर? हु यू बीइंग हियर? विशाल यू टॉकिंग अबाउट? या या ही सीम्ड टू बी. जब वरुण ने इतना सब कुछ बताया तो ऑब्वियसली मुझे झूठ लग रहा था, तो आई वाज quite uncomfortable talking to her at that time. Well, I'm screwed now. So, I'm screwed big time. Rith is gone. Shraddha's mere waise hi kuch pange ho rahe hain. Yaar, ek misunderstanding hai Vishal. Sort out kar lo. 3 din ki baat hai. She likes you. There is no denying that fact. The way she has been talking to me, even abhi aayi thi thodi der pehle. She's giving me a attitude, you know. I don't know for her. I walked in the room. Wo bahar baith rahe the. It is hot. I am hot, I know that. No, not you, the weather. Varun काफी अजीब था, you know. He was not himself. When you trust somebody more than you trust yourself, ठीक है? And or जब तुम्हें लगता है कि नहीं ये मेरे से ऐसा नहीं कर सकता बंदा, no matter what, ये नहीं करेगा ऐसा. Yeah. और जब वैसा होता है ना कि लाइक वो ही बंदा कुछ ऐसा करता है, इट्स लाइक योर होल थिंग कैचेस. या यू लाइक यू जस्ट टोटली लूज इट. यू लाइक व्हाई मी? इट्स मी एंड यू. आई थिंक वी मेक अ बेटर कपल देन एनीबॉडी एल्स इन दिस होल शो. इफ वी विन द शो, whosoever watches us, they're going to be happy. Okay, these two, they look so good together. Priyanka 101%, she's not my kind of a girl. What exactly you take me? I mean, like, who I am to you? A good friend. Yeah? Since day one, not a good friend. Since our first conversation, a very good friend. Like, day one, se abhi tak, ab jo bhi hum log ke beech mein, what exactly it is? A really good friend. Really good friend? Yeah. And you won't do such a stupid thing to let me down. In ever. In what way, though? Generally. No, in life, like practically, like whatever. I just wanted कि जो इसने किया मेरे साथ ये खुद मुझे बोले. You think तूने मुझसे अभी तक कोई झूठ बोला? Regarding what? Anything. It can be anything. तूने मुझसे कभी झूठ बोला जो? I was getting more stressed out by the minute because मुझे पता था at that time कि वरुण सब के बारे में whatever was going on with me and Vishal, he knew everything from A to Z. You know what? Tell Vishal to play games with me on my face. Don't act like a girl. Ki, like you sending Shraddha by saying you know something happened. I'm not. You know how I came to know? 10 minutes पहले तू जाती है, खुश खुश जाती है. 10 minutes में तुम लोग उठ के आए थे. Whatever happened, I don't know. You're in a sad mood, ठीक है? विशाल के पास आ भी नहीं रहा बात करने. Straight away go to Ritu. They're happy, you are sad, वो तो मना भी नहीं रहा. You think I'm so stupid कि I'll buy that? I'll tell you that I've not done anything intentionally wrong to you. Okay. Okay. There is
a plan which did not involve you at all. Okay. It happened when it happened yesterday. Mm. I've never planned at all. I know anyway that I was always the biggest threat for you, especially after you voted me out that night. You're going to vote me out anyway. How does it benefit me to tell you I'm going to vote for you? How does it benefit me to tell you I'm confused? Can I trust you? What do you think? तुम्हारी आंखें नहीं बोलती हुई मेरी शायद बोलती होंगी उसमें मेरा कहने का एक मोटो ये भी था कि मैं जानना चाहता था कि प्रियंका का क्या रिस्पॉन्स आता उस बात पे वो पॉजिटिवली बात करती है वापस या क्या करती है सीरियसली बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इवन इफ यू लाइक हिम फेयर एनफ यू आर नॉट डिनाइंग दैट मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूं बिकॉज़ द लास्ट गर्ल इन द शो प्रिज्यूम यू आर द लास्ट गर्ल एग्जैक्टली यू शैल नो Don't use this as an excuse to turn against me. If I wasn't you know your friend, I wouldn't have been honest with you. Listen. You. No, honestly, you, think about it. If I didn't give a shit, I wouldn't have told you. Okay? No, I trusted you. You gave me this back. Okay? Whatever reasons that you just actually. I'm taking that way. Let it be. Okay? Now it's my turn to pay back. And you will see what a real person I am now. The second chance is for you to prove yourself. And now I'll see in what way will you do that. Shraddha ke sath alone time ka matlab ye tha ki main usko feel karwaun ki jo tune kiya hai wo galat kiya hai. I think kuch had tak I have made it ki now Shraddha won't you know backstab me and she'll make sure ki by the end of the game if uske haath mein decision hai she will take a fair decision hello you okay she was on the verge of crying and evident tha ki uska aur vishal ka date acha nahi gaya hai you went to meet vishal right yeah what happened Shraddha you okay Relax, you can share with me. I don't know why none of these girls talk. मैंने बहुत कोशिश करी इन बेसिक फ्रेंडशिप फॉर्म करने की बट आई थिंक बोथ दीज गर्ल्स आर रियली वेरी क्लेवर श्रद्धा जब वरुण से बात करके आई तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अब बताएगी कि उसके और विशाल के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई थी exaggerated because Vishal wants to shift the focus of me from the other girls maine chahti thi ki Hina kuch doubts hogi to maine Hina ko sab saaf saaf bataye you don't fit into the equation at all that is why I didn't bother that's why I said I'll let you know tomorrow and when I let you know you'll understand whatever happened happened so that you and I can be in the final in an effort to save myself from the other girls not to get you involved according to Shraddha ye exaggerate jo unhone kiya hai wo varun ke liye nahi tha wo bas sabko dikhana chahte the ki vishal aur ritu ek dusre ko like karte hain na ki vishal aur shraddha but fir mere hisab se aisa aur kaun bacha hai jinko wo dikhana chahte hain I wanted to play games with varun yesterday I would have that was a perfect opportunity you know what vishal ritu etc I'm on your side I didn't do that गेम्स तो डेफिनेटली सब खेल रहे हैं श्रद्धा ने भी गेम खेला है दो उसने मुझे सच बताया है लेकिन फिर भी मुझे मानने का मन नहीं कर रहा कि वो सच है He took it personally. Fine, I understand. And I said to him, I said, how come when you're playing a competition, it's okay to play a competition and it's okay to be a game. And then even you can stab your friend in the back. But when I decide, okay, it's 2-3 days left, let me do something to save myself, then competition is wrong. मैं अभी डेफिनेटली गेम खेलूंगी श्रद्धा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अगर वो इस बात को हेल्दीली लेती है तो बहुत अच्छा है नहीं लेती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में अब स्ट्रेस और प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हो गया है आई एम रियली लूजिंग माई सैनिटी नाउ अभी स्पिट्सविला में वाइब वाइब्रेंट नहीं है बहुत अजीब है मुझे नहीं पता आज डंपिंग जोन में क्या होने वाला है मैं सिक्योर होने वाली हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे हाथ में
पावर आता है तो मुझे श्रद्धा को वोट आउट करना है। Ladies, we're looking very nice. Thank you. Great. Priyanka, सुबह बाकी लड़कियों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि आपको जीतना नहीं चाहिए, right? इसीलिए आपको आधा घंटा मिला, इनसे डबल टाइम। तो आपने इस जो डबल टाइम आपको मिला, इसका पूरा फायदा उठाया आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों लड़कों ने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट बोली। वरुण ने ये बोला कि तुम थोड़ी लेट आई हो, तुमसे मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, और अगर बाकी लड़कियों जैसे मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता, आई वॉज होपिंग कि मेरा बॉन्ड तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता एज कम्पेयर टू एनी अदर गर्ल। और सरप्राइजिंगली सेम स्टेटमेंट वॉज मेड बाई विशाल, एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट के अगर क्या, सो आई वॉज वेरी, आई हर्ड वन हार्ट ब्रेकिंग एंड देन सडनली टू, नो बिकॉज यू नो इट जस्ट इंक्रीज द कंफ्यूजन फॉर मी। कंफ्यूज्ड? वेरी कंफ्यूज्ड। वेरी गुड। सो यू कंफ्यूज्ड से ज्यादा स्ट्रेस्ड? स्ट्रेस। ऑलराइट, लेट मी पुट एन एंड टू योर स्ट्रेस। लेट मी कॉल द बॉयज, लेट्स पुट द प्रेशर ऑन देम, है ना? प्लीज प्लीज बॉयज। इन तीनों लड़कियों में वो सब कुछ है जो आपको एक गर्लफ्रेंड में चाहिए। एग्जैक्टली राइट। या इन्होंने तुम्हारे साथ एफर्ट किया, तुम्हारे साथ अलोन टाइम स्पेंड किया, बहुत कुछ किया। तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज माइंड ब्लोइंग यार, लाइक इससे ज्यादा आई कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। विशाल, आई थिंक एक्सपीरियंस तब तक ज्यादा बेटर था जब तक दो लड़के और दो लड़कियां थी। जब वो चेंज हो गई कि एक लड़का एंड में रहेगा, तो उसके बाद टेंशन थोड़ी सी हो गई थी, क्योंकि सो शुरू में बहुत मजा आया, बट बाद में एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया आप दोनों के बीच में कि सिर्फ एक कपल MTV पे शोज करेगा और सिर्फ एक लड़की जीतेगी जिसको एक प्राइज मनी मिलेगा 2.5 लाख का। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे लिए जीतना बहुत जरूरी है? ऑफकोर्स यार, क्यों, किसके लिए नहीं होगा यार। और प्यार दम भी करना आसान नहीं है ना अभी, बिकॉज अब ये तीनों लड़कियां, इनमें सब कुछ है, इन लोगों ने शुरू से अभी तक से सर्वाइव किया है। तुम्हारे जितने भी डंपिंग ग्राउंड से, कितनी बारी तुम लोग डंपिंग ग्राउंड में, हर बारी आ चुके हो, काफी बारी आ चुके हो, राइट? सो आई एम गोना मेक इट इजी फॉर यू गाइस, आसान बना दो, काफी आसान बना दो। वेट, मेरे पास एक ऑन लोक है, ये तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर देगा। एनीवेज, मैं तुम लोगों को यूजुअल दो क्यू कार्ड देने वाला हूँ, डंपिंग तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है और तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। आज तुम यहाँ पे किसी भी लड़की को डंप नहीं करोगे। आप दोनों एक एक लड़की के नाम लिखेंगे जिसे आप सिक्योर करना चाहते हैं। और उसके बाद जो होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी एनवेलप में लिखा हुआ है। Alright, boys, go for it. You're not dumping anyone, so feel good about it. उस लड़की का नाम लिखो जिसे आप secure करना चाहते हैं। आप लोगों ने नाम लिख दिया, मैंने बोला था जो भी होगा वो envelope में देखते हैं। I want one of you volunteers, कोई आगे पड़ेगा? अगर वरुण और विशाल ने एक ही लड़की का नाम लिखा है तो वो लड़की वोडाफोन एमटीवी स्प्लिट्स विला जीत जाती है, और अगर दोनों ने दो अलग अलग नाम लिखे हैं तो तीसरी लड़की विनर होगी। वोडाफोन एमटीवी स्प्लिट्स विला में जो लड़की जीतने वाली है
वो अभी आज यहीं पर डिसाइड होगा। आप तीनों में से वो लड़की कौन है जो जीतने वाली है अब भी पता लग जाएगा। राइट बॉयज? फेयर? यस, वेरी फेयर। विशाल, आपने किसका नाम लिखा? श्रद्धा। श्रद्धा, अगर वरुण ने भी आपका नाम लिखा हो तो आप वोडाफोन एमटीवी स्प्लिट फिला जीत जाएंगे। इसका मतलब दोनों लड़कों के साथ आपका एक कनेक्शन था। लेकिन अगर वरुण ने किसी और लड़की का नाम लिखा तो तीसरी लड़की जीत जाएगी। वरुण, श्रद्धा, कांग्रेचुलेशन श्रद्धा। आपने श्रद्धा का नाम क्यों लिखा? श्रद्धा के साथ इट वॉज डे वन से कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई लव स्पार्क कुछ नहीं था, देयर वाज नो स्पार्क। बट आफ्टर द डेट आई जस्ट यू नो फेल्ट लाइक, बिकॉज़ जो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया एंड शी गेव मी द रीजन विच वॉज रियली, इट वॉज फेयर इनफ एंड सो आई थॉट यू नो व्हाई नॉट गिविंग हर अ चांस। तो आप उनको सिक्योर करना चाहते? या प्रियंका एंड हीना, आप हीना को सिक्योर नहीं करना चाहते थे? नहीं, आज नहीं। श्रद्धा, कंग्रेचुलेशंस, आप वोडाफोन एमटीवी स्प्लिट्स विला जीत चुकी हैं। यू दैट वन गर्ल जो एमटीवी पे एक शोज करेगी एक और लड़के के साथ, और वो लड़का या वरुण होगा या विशाल होगा, पर वो आज अभी इसी वक्त आप डिसाइड नहीं करेंगे। राइट नाउ यू आर द क्वीन। यू वांट टू से समथिंग? मुझे नहीं लगता कि आई हैव द वर्ड्स to describe the shock and the joy and well done, congratulations. Yeah, no, thank you. Round of applause for her. Thank you. Lovely. First of all, she's won 2.5 lakh rupees and you will get to host a show with one of these boys on MTV. How do you feel about that? Unbelievable. You were here for love. Clearly. I am here for love. ये सबसे बड़ा bonus है। अभी मेरे पास शब्द नहीं है to describe how good I feel. जो भी आप feel कर रही हैं, take a deep breath. Yeah. Know that जो भी qualities आपको इन लड़कों में देखनी हैं, you will get a chance to see that. You want to see they're hot, they've got good bodies, they're intelligent, they're adventurous. जो भी आप चाहती हैं, you're the queen now. Finally, payback. Payback time. Yeah. Ready for it? Boys, ready for it? Yeah. As always, ladies, do you want to say something before you go about Shraddha and the boys? Rocking. I really am happy about you. Seriously, I'm happy about you. Thank you. Seriously, I think ये लड़की है जो बहुत ही सबसे ज़्यादा deserve करती है and और अगर आपका नाम होता प्रियंका जी जाती तब तो शायद मेरे words शायद पूरे उल्टे होते। विशाल, you are स्वीट हार्ट। मेरी इसके साथ बॉन्डिंग बहुत सही हुई है। विल कीप इन टच डेफिनेटली। बॉम्बे में मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे और ऑब्वियसली विद यू आल्सो। प्रियंका, यू वांट टू से समथिंग टू श्रद्धा? आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मेक देम पे बैक फॉर ईच एंड एवरी गर्ल, यू बेटर डू दैट। ईच एंड एवरी गर्ल, दैट्स राइट। हर एक लड़की के लिए प्लीज, ऑल दोस एंबैरेसिंग थिंग्स एंड ऑल दोस डिफिकल्ट थिंग्स वी हैड टू डू, you better make that do everything, especially the mud wrestling. One of them should go back with a collar. And make sure the best guy wins, the most deserving ones win. Okay, boys? Yes, loads. Vishal, as I always say, you have a heart of gold. Don't ever change. You are simply amazing and I will surely look forward to spending time with you in Bombay. And Varun, again, I had loads of fun moments with you. It was really wild and wicked. And always stay the way you are. That love, that arrogance, I'll still stick to it. Keep it up to it.
वरुण विशाल ऑल दीज डेज इन लोगों ने यू नो सिटिंग बैक जज किया लड़कियों को और डिसाइड किया कि कौन तीन एंड तक रहेंगे एंड फाइनली आप जीत गए. काफ़ी लोगों को लगता है ये एक सेक्सिस्ट शो है. इट्स नॉट फेयर. वाई शुड द गर्ल्स बी यू नो डूइंग ऑल दिस फॉर अ बॉय. ऐसा थोड़ा ना होता है. इट्स सो शॉविनिस्टिक. सो फॉर ऑल द गर्ल्स हू बीन हियर ऑल द अदर 19 बाकी 19 लड़कियों के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक देम सफर. विद प्लेजर बॉयज. आप दोनों में से कौन जीतेगा ये श्रद्धा डिसाइड करेगी. लेकिन उससे पहले वो ये देखेगी आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. जितनी भी औरतें हैं जितनी भी लड़कियां हैं पूरे कंट्री में अभी तुम्हें देख रही हैं और बोल रही है श्रद्धा गो गेट देम. Yeah. Right? You're the queen of Spitzvilla. Boys, best luck to the two of you. May the best man win. गेम शुरू होने वाला है. से श्रद्धा कैसे लिख दिया या? ट्विस्ट एक्सपेक्टेड था पर ऐसा ट्विस्ट इट वाज गुड मॉर्निंग. उसके चेहरे पे मुझे एक उदासी नजर आ रही है. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ. वेरी हैप्पी बट स्टिल आई एम वरीड. यू नो यू नेवर नो. अ गर्ल हैज 365 कैरेक्टर्स. जो गेम प्लान है वो ऑलरेडी हो चुका है. जो तीर था वो निशाने पर लग चुका है. अब बस रिजल्ट आना बाकी है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट.